मोदी साहब कौन है? जो मच्छर है वो हम सब साथ आके सिर्फ फूंकर मारेंगे तो उड़ जाएंगे कि मोदी और शाह खून के अपराधी है और शाह तो तड़ीपार भी है। तो जो खुद तड़ीपार है, जो खून के अपराधी है, वो हमें कहते हैं कि हम भारत के नागरिक है, सिद्ध करो। अरे सारे अपने उस मेहमान को आवाज देने वाला हूं जो इस वक्त CAA, MPR और NRC के खिलाफ एक ताकतवर आवाज बनकर सिर्फ महाराष्ट्र भी में नहीं पूरे मुल्क में उभरी है वो शख्सियत। इससे मेरी मुराद मोहतरम जनाब साबित जस्टिस कौन से पाटिल साहब से है। मैं बसद एहतराम दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ लाए और मजमे से कहता हूं कि तालियों के साथ आपका शानदार इस्तकबाल किया जाए। हजरत मौलाना मद्दी जी और मेरे सब विचार पीठ पर और सामने बैठे हुए भाइयों और बहनों तो कहीं दिखने रही है लेकिन भाइयों आज अरे उनको तो मैं दिन देश भर सलाम करता हूं। मेरी गलती हो गई, आपको देखा नहीं। मेरे बहने बेटियां परपुती पोती सबने देश को हिला रखा है, इसलिए मैं आपको पहले सलाम करता हूं। मुझे देश भर में जो जन सैलाब देख के मैं 80 साल की उम्र में 18 साल का बना हूं, क्योंकि ये मेरा सपना था कि अम्बेडकरवादी आदिवासी और हमारे मुस्लिम भाई जब सब साथ आएंगे तो हमारा ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और ये जो मुट्ठी भर आर्य ब्राह्मण हो गए या ब्राह्मणवादी हो गए जिन्होंने हमें कहे, वो उनका कहना है कि वो ब्रह्मस्त्र मुंह से आए, हम सब बाकी पैदल से आए हैं। हम सब जो मुंह से नहीं आए और सब मुस्लिम भाई यदि हम साथ आते हैं तो हम देश को कहीं का कहीं ले जा सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। आप जानते नहीं कि मुगलों के राज में भारत नंबर वन देश था, भारत की निर्यात नंबर वन थी, भारत का उत्पादन नंबर वन था, लेकिन वो मैं बताता नहीं। आज क्या हो गया है कि सब झूठा, 100% मीडिया झूठा, मोदी शाह झूठे, सब लोग झूठे। ये झूठों का रात दिन सुनना पड़ता है और हमारा भैया सन रहा है। मैं आप सबको वादा करता हूं कि मेरे गुरु जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णायर ने एक कमीशन 2002 में जाके गुजरात में किया था और उन्होंने कहा था कि मोदी और शाह खून के अपराधी है और शाह तो तड़ीपार भी है। तो जो खून तड़ीपार है, जो खून के अपराधी है, वो हमें कहते हैं कि हम भारत के नागरिक है, सिद्ध करो। अरे सारे तुम्हारी पहली डिग्री दिखाओ। मोदी को मैं आह्वान करता हूं कि तुम जो तुम्हारी डिग्री बता के दिखाओ, हमको डिग्री कहां है, दिखाओ अपने डिग्री के पेपर कहां है। और शाह को बोलता हूं कि भाई तड़ीपार होने के बावजूद तुम हमें बोलता है कि तुम तड़ीपार हो जाओ, हम कैसे सहेंगे। मैं आपको उनकी एक किताब अभी प्रसिद्ध हुई है, आपको विनती करता हूं कि जो भी झूठ आता है उसके ऊपर भरोसा मत करो। अभी उनकी किताब है नागरिकत्व सुधारना कायदा क्यों, और श्याम प्रसाद मुखर्जी का नाम लेके लिखते हैं। पहला सेंटेंस उनसे झूठ है, वो बोलते हैं कि कांग्रेस ने देश की विभाजन की, झूठ बोलते हैं। ये केवल सावरकर गोलोकर की आइडियोलॉजी थी,
जो चाहते हैं चाहते थे कि यहाँ दो देश रहते हैं और उनको सेपरेट होना चाहिए 1923 में 1935 में और सावरकर भी अब ये क्लियर भी कहते थे कि हम ब्रिटिशों को चाहे जितना राज करें सिर्फ वो हमारे धर्म में इंटरफेयर न करें। तो इसका मतलब क्या है और गोलवलकर तो कहते हैं तो ये जो नए कानून आए हैं ये गोलवलकर क्लियर सावरकर की आइडियोलॉजी का नतीजा है। वो कहते थे कि शूद्रों को और ईसाई को खुद का सवाल ही नहीं, वो यहां सिर्फ जिंदा रहे इतना ही उनका काम है, ये उनकी आइडियोलॉजी थी। आज जो नए कानून आए हैं वो हम सबको गुलाम बनाने की कोशिश है, उनको हम सबको डी वोटिंग में डालने का और हमारे जो आज अधिकार है, भागवत का आर्या भी कहता है कि आरक्षण की जरूरत नहीं, मनु के तहत जो काम का बंटवारा हुआ है यदि उसके तहत चलते हैं तो देश का विकास होगा। तो उनको मैं याद दिलाता हूं कि 16वीं 17वीं 18वीं सदी में मुगलों का राज था, वो जो विकास था वो आज देश के कारण है। आर्य भारत जब भारत में नहीं आए थे तब जो भारत का विकास था वो विकास आज कहां है। और मैं सबको बोलता हूं, पहले से बोलता हूं कि सब भाई मुस्लिम बहनें और हमारे इवन पाकिस्तान के मुस्लिम वर्ण व्यवस्था के कारण जो मुस्लिम बने वो सब हमारे खून के भाई भाई हैं। तो हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हुए भी हम लोग झगड़ते थे, बाबरी मस्जिद के लिए हम चुप बैठे, 2002 हुआ हम चुप बैठे, उन्होंने रामायण महाभारत दिखाया तब से हमने हमारा काम शुरू करना चाहिए था लेकिन हम फेल हो गए। आज अल्लाह ने ईश्वर ने हमें ताकत दी है कि आज इतना माहौल जो बन रहा है वो देश की क्रांति की पहला कदम है। हम देश में क्रांति देखना चाहते हैं, हम सब भारतीयों के अन्न वस्त्र सुरक्षित रोटी कपड़ा मकान शिक्षा प्रस्ताव और स्वास्थ्य सबको मुफ्त मिलना हमारे देश की जरूरी है और वो मिलाने के लिए यदि आप सब साथ आते हैं तो मोदी शाह कौन है। जो मच्छर है वो हम सब साथ आके सिर्फ फूंकर मारेंगे तो उड़ जाएंगे लेकिन ये होना आज तक नहीं हुआ, आज ये होने जा रहा है। सब लोगों के भाषण है, मुझे बहुत भाषण करने की आदत है लेकिन मैं आज हजरत का सुनना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको एक ही वादा करता हूं यदि आप आज से हर गांव में मुस्लिम है दलित है आदिवासी है उनकी बस्ती है मुस्लिम गांव में सक्षम है, मैं चाहता हूं कि आज तक हम और वो करते रहे वो हमारी गलती थी। हम सब एक खून के हैं, हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है। हम आज से यानी कल से बस्ती बस्ती में जाएंगे, हमारे बहनें जाएंगे, सब दलितों के आदिवासियों के बहनों को मिलेंगे और आपका और हमारा खून एक है, हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। यदि हम सबको साथ देंगे तो कोई भी कानून जो संविधान के खिलाफ है वो मानने को हम तैयार नहीं, वो कानून हम मानेंगे नहीं। ये महात्मा गांधी ने हमको 1909 साल में बोला है, 1909 साल में बोला है यदि बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक पर अन्याय करने के लिए कानून बनाता है तो अल्पसंख्यक वो कानून नहीं मानेंगे, वो हमारे नपुंसकता होंगे। उन्होंने कहा था कि यदि गवर्नमेंट कहती है कि आप नंगे बनो और हमारे सामने नाचो क्या हम नाचेंगे, तो नहीं नाचेंगे। इसीलिए गांधी ने कहा था कि चाहे हम जेल जाएंगे चाहे हम मरेंगे लेकिन वो कानून नहीं मानेंगे। हमें भी यही सबक लेनी है कि चाहे कुछ भी हो हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम नेहरू अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने हमको सबको बड़ा नगर का दर्जा दिया है, वो अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाते हुए हम भारत के लोग इससे संविधान की शुरुआत की है। तो हम सब लोग
एक है, हम भारत के मालिक हैं, मोदी शाह के बाप का देश नहीं है। कोई दो आदमी लेके कानून बनाते हैं तो वो कानून नहीं है, वो अन्याय है, और वो अन्याय सहने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हम नेकी से चलने वाले आदमी हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे अल्लाह ने, ईश्वर ने ये आदेश दिया है। मैं मोदी जैसा झूठ नहीं बोलता। वो कहता है गंगा मैया ने मुझे बुलाया, सब गंगा गंदी कर दी है। जहां भी बोलना है वो झूठ बोलना है और उसके उल्टा करता है। आज हमें ये झमेले में ढकेलने की कोई जरूरत नहीं थी। देश की सभी कुदरती संपत्ति मिट्टी में भाव से बेच रहा है। अंडानी को, अंबानी को, जो भी कोई उद्योगपति है उनको बेच रहा है, और हम सबको कंगाल किया है। रिजर्व बैंक खत्म हो गई है, पेट्रोल कंपनियां खत्म हो गई है, ओएमसी खत्म हो गई है, ये सब बीएसएनएल खत्म हो गया है। जो हमारे बाप दादा ने जो बनाया था, जो बाप दादा ने बनाया, वो बेच के जो रजिस्ट्री करता है वो किस लायक का आदमी है आप समझ लीजिए। हम घर में जो भी है वो बेच के गृहस्थी चलाएंगे तो गृहस्थी चलाने वाले को हम क्या कहेंगे? वो जो घर का दीवारा निकाल के, देश का दीवारा निकाल के देश चलाने की बात कर रहा है, तो उसको ठिकाने लगाना हम सबका काम है। मैं सबको विनती करता हूं कि कल से हम लोग गांव गांव जाएंगे, बस्ती दलित बस्ती में जाएंगे, आदिवासी बस्ती में जाएंगे, सबके गले मिलाएंगे, और हम सब एक ही खून के हैं, हम लड़ेंगे, ऐसा सबको विश्वास दिलाएंगे,